अब और कितनी देर बाकी है मिस्टर सिंह? मिस्टर मामा भी आती होंगे, उसके बाद मीटिंग की कार्रवाई शुरू करेंगे। लीजिए वो। हेलो मिस्टर मामा। मिस्टर सिंह आप? सॉरी मैं वक्त पे नहीं पहुंच सका, लेकिन खुशी इस बात की है कि अपना काम हो गया। हाँ चलिए अपने मेंबर्स को सब प्रोग्राम बता दें। तो मैं मालूम होना चाहिए कि आज की मीटिंग बड़ी अहम मीटिंग है। आज हम और मिस्टर सिंह तुम लोगों को बताना चाहते हैं कि तुम लोगों को क्या करना है। फौरन बताइए, हम लोगों का आपके इशारे का इंतजार है। वेरी गुड। सुनो, इस बात को तो हमारी पार्टी भी मान गई कि तमाम देशों में यही एक ऐसा देश है जिसकी एकता की मिसाल दुनिया में नहीं मिली। ये आप क्या कह रहे हैं, यहां तो रात दिन आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यही बात तो हम लोग तुम्हें बताना चाहते हैं कि इस देश के लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, लेकिन जब कोई और देश इस देश पे आंख उठाता है तो ये जात पात धर्म मजहब सब भूलकर एक हो जाते हैं। बेशक इनकी एकता ही तो हमारी सबसे बड़ी नाकामी है मिस्टर सिंह। यस मिस्टर गुलशन, हमारी पार्टी का भी यही ख्याल है। तो ऐसी कौन सी तरकीब हो सकती है जो उस सत्ता के टुकड़े टुकड़े उड़ा दे और हमें हमारे मकसद में कामयाब कर दे? इसकी सिर्फ एक तरकीब है। वो क्या? आग। आग? 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 हाँ, नफरत की आग, बगावत की आग, दुश्मनी की दहकती हुई आग। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आग किस तरह लगाई जाए? मैं बताता हूं, रूप बदलकर, भेष बदलकर, नाम बदलकर, इस आग के शोले इस कदर भड़काए जाएंगे कि जो लोग आज गले मिलते हैं वो कल गले काटने पे मजबूर हो जाएंगे। यार यू आर डर तो बुरा नहीं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं जितना कि आप समझ रहे हैं। मिस्टर करतार सिंह, मेरा तो ख्याल है कि तुम जैसे देश के गद्दारों के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। बेशक, जो लोग अपने देश को तबाह करने का बीड़ा उठा चुके हैं तो क्या उनसे ये काम ना होगा? जरूर होगा, वरना डूब मरने की बात होगी। लेकिन एक बात जरूर है, पढ़े लिखे और समझदार लोग हमारे चाल को फौरन समझ जाएंगे। ये बात हम और मिस्टर मम पहले ही से सोच चुके हैं। सुनो, तुम लोग अनपढ़, सीधे साधे और गरीब लोगों के कांधों पर रखकर ये बंदूक बड़ी आसानी से चला सकते हो। मगर सवाल यह पैदा होता है मिस्टर सिंह। मिस्टर जेम्स, हमारी पार्टी ने किसी सवाल की गुंजाइश नहीं रखी, बल्कि यहां तक ऑर्डर दिया है कि तनख्वाह के अलावा जो माल लूटमार से हासिल करोगे वो सब तुम्हारा होगा। यस, और अब तो पार्टी ने तुम्हारे लिए काम इतना आसान कर दिया है कि तुम सोच भी नहीं सकते। मिस्टर सिंह, इन्हें बता दीजिए, पार्टी ने हमारे देश की सरहदों के आसपास बहुत से खुफिया अड्डे बना लिए हैं और उनमें दुनिया भर के क्रिमिनल, गुंडे, बदमाश और गद्दार जमा कर लिए हैं। अब हमें उनको साथ लेकर काम करना है। लेकिन काम का तरीका क्या होगा मिस्टर सिंह? अभी मालूम हुआ जाता है। मिस्टर जेम्स, तुम 5 नंबर अड्डे से आजाद शंकर शंभू और अकबर खां को साथ लेकर काम करोगे। ओके मिस्टर सिंह। मिस्टर गुलशन, तुम अपने नए साथियों के साथ 6 नंबर अड्डे से काम करोगे। ओके। और मैं किंग कांग को लेकर 11 नंबर अड्डे से काम करूंगा। मेरा ख्याल है कि आप लोग अपना अपना काम समझ गए होंगे। मिस्टर करतार सिंह, आप यहीं ठहरिए, आप लोग मेरे साथ आइए। मैं आपको वो खुफिया अड्डे बतलाना चाहता हूं जो हमारी पार्टी ने तैयार किए हैं। आइए। मुबारक हो कर्नल, कामयाबी ने खुद तुम्हें बकर आवाज दी है। जाओ। थैंक यू मिस्टर कुशन। कर्नल करतार सिंह, हम तुमसे वह अहम काम लेना चाहते हैं जो इन लोगों में से कोई भी इसे नहीं कर सकता। इसे लो और गौर से देखो और हमें जवाब दो। यस मिस्टर मम, ये 14 सूबों का प्रोग्राम है, एक दिन एक तारीख और एक वक्त पर अंजाम देना उनके बस की बात नहीं। यस कर्नल, दिन तारीख और वक्त इस खतरनाक प्रोग्राम की अहमियत है। अगर 1 मिनट की देर हो गई
तो हमारा इतना बड़ा अरेंजमेंट हाथ में मिल जाएगा और हम सबकी लाशें खून में तड़पती हुई नजर आएंगी। ऐसा हरगिज नहीं होने पाएगा मिस्टर मम, आपकी 15 अगस्त आई नहीं जाएगी। लेकिन क्या आप मुझे इस बात की इजाजत दे सकेंगे कि मैं सिर्फ एक रात के लिए इस प्लान की अच्छी तरह स्टडी कर सकूं? जरूर जरूर, लेकिन पहले हम इस प्लान की स्टडी करना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारे देश की सीआईडी कितनी खतरनाक है। मुझे भी भरोसा नहीं। पुलिस वालों का कौन भरोसा करे? अच्छा एक बात बताओ, मैं जानती हूँ आप क्या कहने वाले हैं। क्या? आप यही कहने वाले हैं ना, आशा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना पागल हो जाऊंगा, तुम मेरे सपनों में आने लगी हो। तुम बहुत शरीर हो गई हो। अच्छा अब मैं जो बात पूछने वाला हूँ उसे तुम नहीं बता सकती? वो भी बता सकती हूँ। क्या? अंकल ने शादी की तारीख पक्की कर दी है। कब? वो मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन वो छुट्टी पर था। शेम ऑन यू, उसने छुट्टी के होते हुए भी अपना फर्ज पूरा किया और तुम ड्यूटी के होते हुए भी कुछ न कर सके। लेकिन मिस्टर सिंह, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अपने साथियों से कह दो कि प्रोग्राम होगा और जरूर होगा, कल इंस्पेक्टर राज की शादी। अरे पियो रंगीला पियो, आज काम हो जाने के बाद बहुत सा पैसा मिलने वाला है। सलाम साहब बैठिए, मेरा नाम शंभुनाथ और ये रंगीला। आजाद ने आप लोगों के बारे में बहुत तारीफ की। काम देखने के बाद आप भी तारीफ करने लगेंगे साहब। मैंने अपने मोहल्ले में इसके लिए रहने के लिए खोली का बंदोबस्त कर दिया है। मोहल्ले वाले मेरी बड़ी इज्जत करने लगे हैं। मैं अभी आपको इसका असली रूप दिखाता हूँ। चलो रंगीला, अकबर खान को यहाँ भेज दो। अच्छी बात है साहब, चलो आओ। और भी आओ। सलाम साहब। सलाम, मेरा नाम अकबर खान है, इसका नाम रोबी, ये बहुत चालाक लड़की है, इसके रहने का यूसुफ चाल में इंतजाम कर दिया साहब। वह कैसे लोग रहते हैं? गरीब मजदूर बगैर पढ़े लिखे। बहुत अच्छा, ये सब ठीक है, लेकिन ये सब लोग? हमने सारे आदमी बाहर के मुल्कों से मंगाए हैं। गुड, हमारे गुंडे और हम लोग उसके पीछे काम करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, अब मैं आपको इसका असली रूप दिखाता हूँ, जल्दी कीजिए। चलो रोबी। ये देखिए साहब, अब इसे कौन पहचान सकता है? मोहल्ले वाले तो मेरा पांव छूते हैं और मुझे सच्चा साधु समझते हैं साहब।
वेरी गुड, तुम जा सकते हो। प्रणाम सर। देखिए साहब, ये जमीला बानो के नाम से वो चाल में रहती है। गुड। मोहल्ले वाले समझते मैं बच्चों को पढ़ाकर अपना गुजारा करती हूँ। वेरी गुड। और हमारे सब साथी इसका साथ देंगे। हमें तुम्हारा प्रोग्राम बहुत पसंद है। जीते रहो। हरिओम शिवम शिवम हरिओम शिवम शिवम हरिओम नारायण नारायण हरिओम शिवम। अरे ओ मोहल्ले वालों भागो, पक्का वो जाता है। राम 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 राम, मेरा धर्म नष्ट कर दिया, किसी ने मेरे कमंडल में मांस डाल दिया। मांस? हरिओम हरिओम हरिओम, कैसा अत्याचार है। मैं नहीं जानता बेटा। मैं उसे जानता हूँ बाबा, वो ऐसे ही धंधे करता है, अपने पिछले मोहल्ले में रहता है। वो कहीं भी रहता हो बेटा, मगर मेरे मोहल्ले में ऐसा करता वहाँ के पागल नौजवान उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। महाराज आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, भैया बताओ वो पापी कहाँ रहता है। अभी बताता हूँ, आओ मेरे साथ। शाबाश। जरा मुखड़ा तो दिखाओ मेरी जान। छोड़ कमीने कुत्ते जलील कही के हरामी फहरामी, छोड़ चोर। अरे भाई बचाओ बचाओ। बहन क्या हुआ क्या हुआ? वो बदमाश तो मेरी इज्जत लूटना चाहता। कौन था वो, क्या नाम था वो जलील का? नाम तो मुझे नहीं मालूम। बहन मैं उसी के पीछे भागा था, उसके महल्ले वालों ने तो उसे कुछ नहीं कहा, उल्टा मुझे ही मारा है। ये देखो मेरी हालत। बड़ा ही कमीना है भैया, जब मैं पढ़ाने जाती हूँ तो हमेशा मुझे छेड़ता है। आज तो उसने ये हरकत की है इस मोहल्ले में जो नहीं करनी थी। अगर उस बदमाश ने हमारे मोहल्ले में ये हरकत की तो जिंदा नहीं बचेगा। हाँ ये मोहल्ले वालों की इज्जत का सवाल है, वो ये बुजदिल नहीं है। बेशक तुम उस बदमाश काम को अगर बताओ फिर हम उसको समझ लेंगे। आओ मेरे साथ, मैं भी बताता हूँ। चलो भाइयो। सबसे आम खबर यह है कि पुलिस कमिश्नर ने फसादजदा इलाकों का दौरा किया। पुलिस ने सिर्फ 4 घंटे में फसाद पर काबू पा लिया और शहर में मुकम्मल सुकून हो गया है। मुल्ला सलामुद्दीन और पंडित रामदास ने एक बार फिर दोनों फिरके के लोगों को आपस में गले मिला दिया है।
कल तक जिन सड़कों पर मौत का सन्नाटा छाया हुआ था, आज वहां फिर जिंदगी चलती फिरती नजर आ रही है। पुलिस ने अकबर खान और शम्मू नाग जैसे खतरनाक गुंडों को पकड़कर जेल कस्टडी कर दिया है। ताज्जुब की बात है, जरूर कुछ ना अकबर खान और शम्मू नाग जैसे चालाक आदमी पुलिस की हिरासत में। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आता सिंह साहब, ये सब कैसे हुआ? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तुम यहीं ठहरो, हम देखते हैं। तुमने रेडियो सुना? यस बॉस। पुलिस ने 4 घंटों के अंदर पता पर काबू पा लिया, ये भी सुन लिया? यस बॉस। तुम्हारे मुल्ला सलामुद्दीन और पंडित राम प्रसाद ने हिंदुस्तान के दो मुखालिफ को एक दूसरे से मिला दिया, ये भी जान गए? जान गए। तुम्हारे नामी गरामी अकबर खान और शंभू नाग पुलिस की हिरासत में आ गए, ये भी जान गए? वो भी लंबी लंबी हांसते थे कि हमारे के लिए एक हजीर, हमारे के लिए वो बेसर साबित हुए हैं। निगम में बेबसू उल्लू गधे पादी छूट डबल कहाँ है आप? फोन करते करते तो मेरी उंगलियां भी थक गई। मैं तो कुछ कभी सुनाना चाहती हूँ और जनाब का पता ही नहीं चलता। मैं तुमसे मिलने आया हूँ आशा। अरे आप तो उदास मालूम होते हैं, क्या बात है? मैंने अपनी छुट्टी कैंसिल करवा दी। छुट्टी कैंसिल करवा दी? हालात को देखते हुए मैं ड्यूटी पर वापस जा रहा हूँ, यही मैं तुमसे कहने के लिए आया था। और अपनी शादी? ये बंधन तो कभी भी बांधा जा सकता है आशा, लेकिन इंसान फर्ज के हाथों मजबूर होता है, और मैं तो पुलिस ऑफिसर हूँ। एक ऑफिसर को अपने फर्ज का एहसास होता है। आशा जाइए बाबू, लेकिन जाने से पहले उस लगन मंडप को आग लगा दीजिए जैसे अंकल अजीत दोबारा सजा रहे हैं। आशा भूल जाइए उस आशा को जो कभी आपकी थी। आशा मेरी तरफ देखो, मेरे फर्ज को समझने की कोशिश करो, फिर शिकवा करना। शिकवा तो मुझे अपनी तकदीर से जो आपके चरण छूने का अधिकार भी छीन लिया। अच्छा मैं सब समझता हूँ, सब समझता हूँ। आप कुछ नहीं समझते, एक अपने अपनी मांग में जिंदगी सजाने के लिए कितने सपने देखती है, कितनी रातें जाग जाग के काटती है, सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए। तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं अपनी खुशी के लिए अपने फर्ज से मुंह मोड़ लूं, कानून और दुनिया की निगाहों में बदनाम हो जाऊं? नहीं आशा, मैं समझता हूँ जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। किसी का दिल टूट गया, आप कहते हैं अच्छा हुआ, अगर ये अच्छा है तो इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है? आशा तुम सचमुच नादान हो, जानती हो इस वक्त हमारा देश फसाद के शोलों में घिरा हुआ है, हजारों सुहाग लुट चुके हैं, ऐसे में तुम अपनी मांग में सिंदूर भरकर सुहागन बन सकती हो? लाखों जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं, हजारों मासूम बच्चों की लाशें खून में तड़प रही हैं, क्या ऐसे में तुम अपने हाथों में मेहंदी रचाकर दुल्हन बन सकोगी? बोलो जवाब दो। एक तरफ से अर्थियां, दूसरी तरफ से जनाजे, इनके बीच से तुम्हारी डोली गुजरेगी, क्या इन सबको देखकर तुम्हारी आंखें नहीं भर आएंगी? क्या इन सबको देखकर तुम्हारी आत्मा नहीं तड़प उठेगी? क्या इन सबको देखकर तुम्हारी चीखें नहीं निकल पड़ेंगी? राज बाबू बस कीजिए, आपने मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया, मैंने मोहब्बत को फर्ज के साथ तोड़ने की कोशिश की थी, मुझे माफ कर दीजिए। आप जाइए, मैं आपकी जिंदगी भर इंतजार कर। मेरी अच्छी आशा। और तमाम साथियों से कह दो कि हम अपने मकसद में बहुत जल्द कामयाब होने वाले हैं। और सुनो,
गद्दार मैं नहीं, गद्दार तू है जो दौलत की लालच में अंधा होकर अपने देश से गद्दारी कर रहा है। खामोश, नर्स, ले जाओ इसे, कैद कर दो। अचानक बंद हो गए, मगर इतना मालूम हो गया कि इन फसादात के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है, जो दुनिया के नामवर गद्दारों को रुपए का लालच देकर और मुल्क में फिरकों को आपस में लड़ाकर अपना मकसद पूरा करना चाहती है। लेकिन हमें भी उम्मीद है कि हम करतार सिंह और अपने दूसरे साथियों की मदद से दुश्मन को एक दिन कानून के हवाले कर देंगे। मेरा तो ये ख्याल है कि करतार सिंह का पैगाम देश की सरहद के करीब से ही आया है। मेरा भी यही ख्याल है, और अब मुझे भी सरहद के करीब ही काम करना चाहिए। तो तुम आशा को भी अपने साथ लेते जाओ। शादी के टूट जाने से उसका दिल टूट गया है, कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगी तो उसकी परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि राज भी उन लोगों को गिरफ्तार करने में लगा हुआ है। जी पैसे, पैसे? तुमने माइकल दादा का नाम नहीं सुना? सुना है, सुना है, सुना है। माफ करना, भूल गया था, गलती हो गई। तुम कभी आइंदा हमारा इंसल्ट करेगा तो हम तुम्हारा हड्डी पसली तोड़ देगा, समझे? हाँ हाँ। दस का पता निकाल, निकाल दस का पता। देता है, देता है। चल जल्दी कर। पचास रुपए का। सिर्फ 50 रुपए? इसका वजन कर। ये हाथ मेरा है, ये हाथ मेरा है, ये हाथ मेरा है। नहीं नहीं नहीं, मैं सच कहती हूँ, ये हाथ मेरा है। मैं अपने हाथ को बड़ी अच्छी तरह पहचानती हूँ। ये हाथ मेरा, भगवान के लिए मुझे मेरा हाथ दे दो, मुझे मेरा हाथ दे दो भगवान के लिए। मुझे पुलिस, पुलिस। भैया भैया, मैं सब कहती हूँ, ये हार मेरा है। और सब कुछ भैया, ये हार मेरा है, ये हार। गुंडों ने मुझसे उल्लर लगा छीन लिया, तो भैया मैं सब कहती हूँ, ये हार मेरा है, ये हार मेरा। दोस्त, ये लूट का माल अकेले अकेले हजम करना चाहते हो? यारों की भागी इसमें कहा? अरे दादा, तेरा जैसा बहुत आया चला गया। अच्छा, शेरू जैसा तुमने नहीं देखा होगा। ये बात दादा, शंकर दादा, क्या मैं कल वो शेरू नाम का दादा आया है, वो लूट के माल में हिस्सा मांगता है। तो मुंह बैठ कर आ गए।
असली लफड़ा करने वाला तो चला गया और साहब आप हमको पकड़ रहे हैं। सबको पहले चट्टे पर चलो चलो ठिकाने नहीं आया। मैं सुल्तानी इनके रिकॉर्ड पेश करो। ओके सर। तो तुम लोग पुलिस को बेवकूफ समझते हो? अलवाजी मिस्टर करवे को देना। क्या नाम है तुम्हारा? मिस्टर लोहानी, इन्हें इनके असली नाम बताओ। यह है हरी दरी वाला, ये मोहम्मद यासीन और वो फर्नांडिस, और इस अनवर खान का असली नाम भीमा दारूवाला है। और इसके 22 दाखिले हो चुके हैं। तुम लोग अपने नाम और लिबास बदलकर पुलिस को धोखा देते हो, देश के वफादार लोगों को हुकूमत की नजरों में बदनाम करते हो। आखिर क्यों? क्या इसका जवाब है तुम्हारे पास? साहब, हम सच्चा बोलता है, हम ये सब कुछ नहीं चाहते। हाँ साहब। तो फिर कौन चाहता है? हम जिनका हुक्म सुन तो सकते हैं लेकिन उन्हें देख नहीं सकते। और तुम देखना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम लोग दौलत के लिए देश को बेच देना चाहते हो। हमें माफ कर दीजिए साहब। नहीं, तुम लोग वो हो जिन्होंने देश को नफरत और बगावत की आग में झोंक रखा है। कानून तुम्हें कभी नहीं माफ कर सकता, और वतन के गद्दारों की सजा जानते हो क्या है? मौत। साहब, चली गोरी पी के मिलन को चली, चली गोरी पी के मिलन को चली। पानी किसे? ए बारिश है क्या? ए मुन्ना, छाता ना ले, पानी आ रहा है। बारिश लेमन लेमन बोला, गाड़ी में कोई आया है। बड़ा एक दो तीन और ये बख्शिश। आपको कौन बनता है? सिद्धू दादा की खोली यही है। हाँ, वो तो अपना खोली पगड़ी पे दे के चला गया। चला गया? अच्छा, वो तो चला गया, पर आप क्या भार्गव से आए?
हाँ हाँ उसी ने मुझे बुलाया था। बुलाया था? अब आप फिक्र मत करो, अपना खोली है ना, वो बिल्कुल खाली है, उसमें नल पानी बिजली सब चीज का बहुत आराम है। मगर यार उसमें अब आप फिक्र मत कीजिए, अब अपना क्या है कि मैं आपसे पगड़ी पगड़ी थोड़ी मांगूंगा। आइए आप अंदर तो आइए, पहले सामान उठा दीजिए। अखा बंबई में ऐसा खड़ी देखने को भी नहीं मिलेगा आपको। सर इनका किसी से मारामारी हो गया? ये तो अपना रात दिन का धंधा है। वाह उस्ताद, फिर तो आप भी अपनी जात बिरादरी के निकले, मजा आएगा बाप। मैं पाकिट का धंधा करता हूँ, मेरा नाम है सुलेमान, ये मुन्ना। आपका नाम? शेरू। पूना वाला शेरू दादा आप ही है क्या? खूब पहचाना तुमने, लो ये हमारे लिए कुछ दवा ले आओ, लो ये पैसे। अभी ज्यादा बता चाहता हूँ, दवाई आपकी सेवा भी करेंगे, थोड़ा मेरे लिए भी रखना बात है। जाओ बेटे पहले तुम ये लेके आओ। अभी चलो। सुलेमान तेरी तो उड़ के लग गई दोस्त। क्या बात है, अभी जब तेरे को मुर्गी उर्गी खिला दे तो बहुत माल है अपने पास। चल बेटे एक गिलास पानी का पिलाओ। क्या नाम है तुम्हारा? सलीम। सलीम, और तुम्हारे बाप का नाम? अकबर अली। अकबर अली, ये अब कहाँ है? जब यह झगड़ा हुआ तब लोग चले गए, कहा अब मैं अकेला हूँ। और जिनके साथ तुम रहते हो ये तुम्हारे कौन है? ये मेरे कोई नहीं लगता, मुझे पाकिस्तान का धंधा सिखाते हैं। ओहो, मुझे पॉकेट मार का धंधा नहीं आता। तुम पॉकेट मार का धंधा नहीं करो, मुझे वो खाना नहीं खिलाएगा। खाना नहीं खिलाएगा तुम उसकी फिक्र ना करो, हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। आज से तुम हमारे बेटे, हम तुम्हारे पापा। बाबा उसको दवा तो पिला दे यार। अरे अपन भी तो बीमार है, एक एक लोटा दवा पी के चलते। क्या लाऊं साहब? अरे बता क्या, दो लोटा दो गिलास पी लिया था। मालिक ने फरिश्ता भेज दिया, मुझे तो कोई मोटी मुर्गी मालूम होती है। तेरा क्या विचार? हाँ माल तो है उसके पास, तो क्या उसका माल इधर खर्च करोगे? ये यार तो क्या, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवा दारू ला रहे हैं, हाथ पांव दबा रहे हैं, तो बेईमानी कर रहे हैं। अगर वो बेचारा नहीं आता तो हमारे 12 बच जाते। भगवान बहुत बड़ा है दोस्त। पैसे मेरे नाम पे ले। देखा यार बटारिया, इसी दफा पहले पैसा लेना फिर माल देना है लोगों। अच्छा से कहां से चले आते हैं करके लोग? चल रहे बाप, बहुत बड़ी मीटिंग है। मीटिंग किधर है? तू मेरे साथ चल, धंधा करने का अच्छा चांस है। अभी अभी दिन के वक्त मेरा बाप, आजकल पब्लिक बहुत सियानी हो गई है, इतना मारती कि भैया निकाल के हाथ में धर देते मालूम। तेरे को जाने का, तू जा, मैं नहीं जाता मीटिंग में। चल ये पिटके आएगा मालूम मेरे को। हेलो हेलो, फाइव ओ सिक्स स्पीकिंग है, फाइव ओ सिक्स स्पीकिंग है। आग लगे लेकिन जल बुझ गई। सुनो, तुम दो दुकानों के दरवाजों पर, शराब खानों पर, जुए खानों पर अपने आदमी मुकर्र कर दो। आपका मतलब नहीं समझा, अन्य जिन आदमियों की जरूरत है वो हमें वहीं से मिल सकते हैं। ओके, लेकिन सुनो, ये काम बहुत होशियारी से करना होगा, आप बिल्कुल फिक्र न करें। पब्लिक तो क्या, पुलिस भी यही समझती है कि हम सिर्फ तरफ चलाते हैं। बस चला। हेलो इंस्पेक्टर राजेश हियर। कौन मिस्टर खान? मैं पहचाना नहीं। खैर बात क्या है? दारू गड्ढे पर? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैं पुलिस भेजता हूँ। ओके। कोई ढऊ समाज नहीं कर सकता, इधर सब जानता है अपने। यहाँ तो सुलेमान दादा से सब डरते हैं। ये सब ठीक है, लेकिन मेरा मतलब ये है मुझे किसी ऐसी जगह लेकर चलते जहाँ मौका शानदार होता। इधर का हर चीज नामचीन है। शेरू भैया, पहली धार का माल अखी बंबई में इधर ही मिलता है। क्या देखता है? चल एक बाट लियो, दो सौ डाला। चल दो पैदा मिला। अच्छा से
माँ कसम शेरू भैया, एक बार मैंने एक दादा को ऐसा मारा ऐसा मारा ऐसा मारा कि वो माफी मांगने लगा। आ गई लालतरी आ गई। पीले पीले मेरे राजा, पीले पीले रख दे बेटा, शाबाश, वाह 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 वाह, ये पीले पीले मेरे राजा, पीले पीले मेरे राजा, बड़ा मजा आता पीने में यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। ये तो सोडा ना, अच्छा है सोडा भी, नमकीन अंडा भी है बाबा, और कुछ आएगा खाने को? नमकीन नहीं है, नहीं है तो भी चलेगा, यहाँ तो काम होने दो थोड़ा सा। ऐसे भी आती नहीं, नहीं तुम लोग पियो, मैं जरा धीरे धीरे। तो हम लोग चालू करें? हाँ हाँ। ऐसा लाखा माया थोबड़ा लाल कर रहा था है? रे, अबे किसका थोबड़ा लाल करेगा? छोड़ दे राजू, नहीं तो माँ का समाज इधर मटर हो जाएगा। अबे मटर की औलाद, आज तो पिछले पैसे भी वसूल करके छोड़ूंगा। देखा शेरू भैया कैसे धांधली करता है, वो भी आपके सामने। अबे कड़के की औलाद, यूज क्या कर लेगा? देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाया लिखा। मालूम होता है तू ऐसे ही मुझे जिंदगी भर भजिया पंप खिलाता रहेगा। देख वो इज्जत का कचरा करती है। शादी हो जाने दे, तुझे क्या क्या खिलाऊंगा? तू खुद तो पब्लिक की मार खाता है, मुझे क्या खिलाएगा? मेरा बाबा कहाँ है? अरे तेरा बापू तो गुजर में मारा गया, कहाँ खिलाऊं तेरे बाप को? कैसी वाला बाबा? ये अपने असली बाप के लिए इतना नहीं रोया होगा जितना नकली बाप के लिए रोता है। कैसी वाला बाबा? असली नकली क्या करता है पता ना, उसका बाबा कहाँ है? उसे तो भाई लोग दूल्हा बनाकर ससुराल ले गए। ससुराल? ससुराल। अपनी गरज कभी देख। चल हट। अरे तू कहाँ? सुलेमान। कब आपने हड्डी? ले बच्चे को पालने की आदत अभी छुटा दी। क्या मतलब? मतलब क्या, शादी के बाद बच्चे होंगे और फिर उनको पालना ही पड़ेगा, अभी से सीख ले। चल तू बड़ा हलकट है। शादी के पहले सभी लड़कियां ऐसी हो। सुलेमान आया था? शेरू दादा कहाँ है? वो तो सुजित पगड़ी का मकान में है। राजू उसकी बात तारीफ कर रहा था। सब ठीक है, चलो रख दो उसको 200 रुपये दर्द बोला। 200 रुपये? ये लो 200 रुपये। अगर वो काम का आदमी है तो फौरन बुलाओ, मैं भी देखूँ वो कैसा आदमी। आप फिक्र मत करो साहब, मैं अभी जाता हूँ और शेरू दादा को ला के आपके सामने खड़ा कर देता हूँ। सलाम साहब। तुम्हारा नाम शेरू? ये आदमी भी शेर का बच्चा है, बस एक को लाफा मारता है चार धोस खा के भाग जाए। गले का चलिका मैम साहब, अपने राजू को एक ही लाफे में थोबड़ा लाल कर दिया। चुप है, हर जगह कचरे वाली बात करता है। बॉस शेरू दादा हमारे साथ काम करने को तैयार है। लेकिन हमारा काम सकेगा? मैं हरफन मौला हूँ साहब, कोई काम बताइए। कुछ माल पास करना है। बस इतनी सी बात मैम साहब, गांजा वांजा चंडू अफीम मदक कोकीन दारू इन सब की बोरियां इस तरह पास की हैं कि पुलिस को आज तक खुशबू तक आने नहीं दी। ये छोटे छोटे काम हम नहीं करते शेरो। अरे साहब सोना चांदी हीरे जवाहरात तो टनों के हिसाब से इतने पार किए हैं कि आज तक रिकॉर्ड है। देखो शेरो, न सोना न चांदी न हीरे, हमें तो लोहा पास करना है। लोहा? अबे बताता क्यों नहीं सुलेमान, ये क्या चक्कर है? यही तो चक्कर है, रिटायरमेंट का बताओ आप। मेरा ख्याल है शेरू को एक मौका जरूर दिया जाए। लेकिन कदम कदम पर पुलिस का पैरा लगा हुआ है रीटा। अरे साहब मेरे पुलिस के पास बहुत से फोटो हैं, मगर वो आज तक ये पता नहीं लगा सके कि असली शेरू कौन है। वेरी गुड, तुम दोनों साथ जाओ और शेरू को आज का काम बता दो। शेरू अगर तुमने आज का काम कर दिया तो समझ लो तुम्हारी नौकरी पक्की। थैंक यू मैम साहब। चलो साथ धंधे में लग जाए। चलिए तुम लोग जाओ।
मुझे तो ये आदमी बहुत अकलमंद और काफी होशियार मालूम देता है। ऐसे ही आदमियों की जरूरत है जो हमारे काम के रफ्तार को और तेज कर दें। क्या समुंदर के मर्द औरतों के लिबास में? क्या कोरवर्ड क्या बोला? जंतर अंतर। अच्छा 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 अच्छा, मैं अभी पहुंचता हूँ। ओके। शाबाश, पक्षाड़ी बहुत जल्दी लेके आओ। और क्या बात? छोड़ दे, बस ने ज्यादा पी लिया, जाके उनको समझ।
ओके, अब अभी देखता हूं। मैं दुश्मन नहीं हूं। आंसू? तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या तुम्हारे सीने में भी दिल होता है? इतना जरूर जानती हूं कि हर हिंदुस्तानी के सीने में दिल जरूर होता है। आंसू, मैं तुम्हारी नापाक सबान से अपने देश का नाम भी नहीं सुनना चाहता। तुम लोग वफादार। सुनिए, मेरे चेहरे को ना देखिए, मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए। मैं जो भी कह रही हूँ उस पर यकीन कीजिए। कैसे यकीन कर सकता हूं? देखती आंखों कैसे धोखा खा सकता हूं? अगर ये सच है तो बताओ, बताओ हमारा कौन है? क्या शांति? तब तो तुम जरूर हिंदुस्तानी हो, लेकिन लेकिन अफसोस है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। कौन कहता है? तुम चाहो तो अपने देश की मदद कर सकती हो, लाखों जानों को बचा सकती हो। बताइए, अगर मेरी जान भी काम आए तो मैं इसके लिए तैयार हूं। इसे किसी तरह अपने साथियों तक पहुंचा दो। लेकिन इसमें है क्या? इसमें एक बहुत बड़ा गहरा राज है, सुनो। तुम बहुत जिद्दी हो, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो बॉस जो पूछते हैं वो सच सच बता दो। ले कैस बदबख ने अभी तक कुछ नहीं बताया। नहीं बॉस। चलो अब हम इसे कुछ बता कर रहेंगे, अब हम तुझे मार डालेंगे। मैं एक हिंदुस्तानी सिख सिपाही हूं, मौत से नहीं डरता, समझे? ले अब हम ये देखना चाहते हैं कि एक लड़की कितनी बहादुर हो सकती है। ये लो, शूट कर दो। देश के लिए हर इंसान को कुर्बानी देनी पड़ती है। चलाओ गोली। चलाओ गोली। कर्नल करतार सिंह, वही जो आपसे उस रोज खुफिया तरीके से बात कर रहे थे, अचानक तबीयत खराब होने की वजह से बात पूरी ना कर सके। इसीलिए तो हम लोग भी परेशान थे। आपकी तारीफ? ये सब मैं आपको रास्ते में बता दूंगा। वैसे मुझे डॉक्टर अनवर कमाल कहते हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर, कर्नल का केस मेरे बस के बाहर है। मैं अभी चलता हूं, आप तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। मैं कहती हूँ भैया मत जाइए, मेरा जी घबराता है, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आशा, तुम मुझे उस आदमी को बचाने से रोक रही हो जिसकी जिंदगी की वतन को जरूरत है। जो जमीन पर बोझ है उनके इलाज के लिए तो मैंने आपको कभी नहीं रोका। आज पता नहीं भैया, ऐसा लगता है जैसे कोई अनहोनी बात होने वाली हो। ये तुम्हारा वतन है आशा, डॉक्टर की जिंदगी देश की अमानत होती है। हम जिएंगे भी देश के लिए, मरेंगे भी देश के लिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तू फिक्र ना। भैया भैया भैया, डॉक्टर अब और कितनी दूर चलना होगा? तुम्हारी मंजिल बहुत करीब आ गई है डॉक्टर। आओ डॉक्टर,
डॉक्टर अनुराग कुमार, डॉक्टर अनुराग कुमार, डॉक्टर, डॉक्टर। जिंदा है। क्यों ग्रेट जासूस, पहचाना मुझे? वो जहाज जिससे मैं कैप्टन था, मैंने खुद उसे डबो दिया था ताकि तुम लोगों को गलत फहमी हो जाए। तुमने तो आज शानदार दावत का इंतजाम कर दिया है, देखा आपने? मिस्टर सिंह, तुम लाई को नहीं जानते, ये बहुत समझदार लड़की है, हम इस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। लाई, तुमने अपने बेटे के लिए कोई इंतजाम नहीं किया? बस अब जान उठाइए, मैं एक नशे में डूबा हुआ नगमा छेड़ती हूँ। Very sweet of you. ये नाज़ ये अंदाज़ ये रंगीन जवानी
बल खा के पियेंगे, ले रोके दरा ले रागे पियेंगे, ले रागे पियेंगे, आई है घटा झूम के बल खा के पियेंगे। लाई आज तो ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारे गाने ने शराब में और नशा घोल दिया है। अरे शराब तो उड़ गई, खत्म हो गई। और लाती हूँ बस। वेरी गुड। बॉस ने बुलाया है। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर उठिए ना। तुम? ये बातें करने का वक्त नहीं है। ये लॉकेट लीजिए और जल्दी यहां से चलिए। टेंगो। यस बॉस। तुम लाई की मदद करो और जितनी शराब है सब ले आओ। आज की शराब बहुत मजेदार है, हम खूब पिएंगे और पिएंगे। जाओ। यस बॉस। और कानून का टेस्ट क्या हुआ? ये लॉकेट इन्हीं का सुन के पीना था। तुम फिक्र न करो, मैं इसके लिए अपनी जान की बजाय बाजी लगा दूंगा। आइए मैं आपको निकालती हूँ। अब तुम? मुझे आगे बहुत काम करना है। आइए। आप यहाँ से जल्दी निकल जाइए। तोड़ो तोड़ो, पकड़ो पकड़ो, लाई ने कैदी को भगा दिया। पकड़ो पकड़ो, तोड़ो, लाई ने कैदी को भगा दिया। लाइन ने डॉक्टर जगदीश को जेल से भगा। डॉक्टर जगदीश? तुम चाहिए मेरी राजू जी नागन, तुमने हमें भी डक लिया। जाओ गद्दार को अटाओ चेहरे खाने में। कोई नहीं बता सकता। खाना लाओ मेम साहब। नहीं भैया आएंगे जब खा लूंगी। अच्छा चलो। मैंने पहले ही कहा था भैया कि तुम बहुत मिल जाते हो। भैया तुम मेरी कसम बताओ। भैया अब तो बताओ ये क्या हुआ भैया? ये फूल आशा मुझे गोली लगी। गोली लगी? मेरे डॉक्टर को बुला के। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, जरूरी कागजात मैंने पहुंचा दिए। ये लॉकेट जितनी जल्दी हो अजीत अंकल तक पहुंचा दो। लॉकेट? हाँ, इसमें बहुत डर है। लेकिन भैया आपकी जिंदगी का सवाल है। मेरी एक जिंदगी का ख्याल मत करो आशा, देश की करोड़ों जिंदगियां शोलों में घिरी हुई है। अगर वो शोले मेरे भूल से बुझ सकते हैं तो जरूर बुझा दो। लो जाओ जल्दी जाओ आशा। लाओ मेरे हवाले करो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, जरूरी कागजात मैंने पहुंचा दिए। ये लॉकेट जितनी जल्दी हो अजीत अंकल तक पहुंचा दो। लॉकेट? हाँ, इसमें बहुत गहरा राज है। लेकिन भैया आपकी जिंदगी का सवाल है। मेरी एक जिंदगी का ख्याल मत करो आशा, देश की करोड़ों जिंदगियां शोलों में घिरी हुई है। अगर वो शोले मेरे खून से बुझ सकते हैं तो जरूर बुझा दो। लो जाओ।
शाबाश कालू, हम तो ये समझ रहे थे कि जख्मी जगदीश समंदर में गिरकर खत्म हो गया होगा, लेकिन दुश्मन बचकर निकल गया। आज बच गया तो कल खत्म किया जाएगा। लेकिन कालू ने यह बहुत अच्छा किया कि पुलिस से यह कह दिया कि आशा डॉक्टर जगदीश पर गोली चलाकर भाग गई। लेकिन मिस्टर मम, मुझे डर है कि करतार सिंह और लाई की गद्दारी हमारे 15 अगस्त के प्रोग्राम को खाक में ना मिला दे। वो इसी प्लेन से बंबई जा रहे हैं साहब। हमें फौरन किंगकॉन्ग को आशा के पीछे रवाना कर देना चाहिए। नहीं मिस्टर मम, ये काम मैं ही करूंगा, इसलिए कि आशा मेरे भाई राज की मंगेतर है। गुड, लेकिन तुमने तो सब पर यह जाहिर किया कि तुम मर चुके हो। तुम इसकी फिक्र ना करो। ओके मिस्टर मम, प्लेन के जाने में टाइम है, मुझे फौरन आशा का पीछा करना चाहिए। हेलो, सीआईबी बॉम्बे, आईजी स्पीकिंग। आशा डॉक्टर जगदीश पर गोली चलाकर भाग गई है। व्हाट? ये सर, ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है। तो तुम आशा को तलाश करो। हमने पता लगा है वो बंबई गई है। ओके। मैं जिंदा हूं आशा, चलो तुम्हें लिफ्ट दे दूं, सब कुछ बता दूं। गाड़ी रोको, लाओ लॉकेट। कहां है लॉकेट? हाँ वो लॉकेट, जल्दी करो। Thank you.
वो नेक ड्राइवर तो वापस नहीं लौटा, लेकिन दूसरे सिख ड्राइवर ने इसे घर तक पहुंचा दिया। वो तो खैर हुई राज, वरना शायद मेरी बच्ची मुझे जिंदा भी नहीं मिलती। प्लेन वो लॉकेट कहाँ है जो आशा की सच्चाई का सबूत है? इसने कहा तो वो लॉकेट तुम्हारे भाई सिंह ने छीन लिया। लेकिन मैं ये भी कैसे यकीन कर सकता हूँ कि एडमिरल सिंह अभी जिंदा है, जिनको दुनिया जानती है कि मरे हुए 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। राज, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि मैं अपने भाई पर गोली चला सकती हूँ? राज, मुमकिन है आशा की आंखें धोखा खा सकती है, लेकिन इतना तो सोचो कि किसी पर कातलाना हमला करने की कोई वजह तो होती है, कोई मकसद तो होता है। वजह कुछ ना कुछ तो जरूर होगी अंकल, वरना इनके नौकर की इत्तला इस तरह करेक्ट नहीं हो सकती। वो झूठा है, मकार है, उसे लाइए मेरे सामने। पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है, लेकिन ये हकीकत है। और जब पुलिस वहां पहुंची तो डॉक्टर जगदीश बेहोश पड़े थे और तुम वहां से फरार थी। ओहो, मैं सुनिए तो सही, भैया को उसी दिन गोली लगी थी जिस दिन डॉक्टर कमाल के साथ वो गए थे। राज, मुझे आशा पे इतना भरोसा तो जरूर है कि मेरी आशा कभी मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। आई एम सॉरी अंकल, आशा ने तब जो कुछ भी कहा है उससे न तो मैं मुतमईन हो सकता हूँ और न ही कानून। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मुझे आशा की गिरफ्तारी का वारंट देकर भेजा गया है। वारंट? अंकल! राज! अंकल, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये केस खास तौर पर मुझे इसलिए दिया गया है कि आशा मेरी मंगेतर है, और ये केस अब सिर्फ केस ही नहीं रहा, मेरे फर्ज का इम्तहान बन गया है। आशा को इसी वक्त मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। अंकल! मेरे बच्चे! लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस ड्राइवर ने आशा की मदद क्यों की? वेरी नेचुरल, किसी भी नौजवान और खूबसूरत लड़की को देखकर कोई भी ललचा सकता है। कुछ भी हो, इस लॉकेट में राज कोई जरूर है। राज? बहुत बड़ा राज। हाय रीटा। हाय। टैक्सी की नंबर से मैंने ड्राइवर का पता लगा लिया, वो झोपड़ी में रहता है। वंडरफुल, एक्सीलेंट। सर्जन, अब तुम्हारी जॉब रह जाती है, तो इसके बाद जेम्स और रीटा का काम बाकी रह जाता है। मेरा काम? यस डार्लिंग, तुम्हारा काम। आओ तुम्हें बताऊं। हेलो पीटर। तुम तो बहुत जख्मी हो गए, क्या हुआ? पहले उस बदमाश का पीछा करो जो मेरा लॉकेट लिए जा रहा है। जा बेटा, मेरे लिए एक चाय का कप ले आ, पैसे जेब में से ले ले। हाँ, तो फिर मुझे एक गिलास पानी का दे दे। चल, मुझे दवा खानी है। इंस्पेक्टर दिनेन, एक लेटर मैंने बॉम्बे हाईकोर्ट को लिखा है और एक सीआईडी ब्रांच को। आशा की रिहाई बहुत जरूरी है, जाइए दोनों फौरन पोस्ट कर दीजिए। यस डॉक्टर। कानून के आगे हर इंसान को मजबूर होना पड़ता है। मैं समझी नहीं। बैठो, समझाता हूं। आशा, यह भी तो हो सकता है कि एक भाई अपनी बहन को जेल की चहारदीवारी के अंदर देखना चाहता हो। तो आपको अब भी शक है? अब तो यह शक यकीन में बदलता जा रहा है, क्योंकि तुम भी यही कहती हो कि मिस्टर सिंह जिंदा है और तुम्हारे भाई भी यही कहते हैं। राज, ये सब सच है? ये झूठ है।
मुझे तुम दोनों भाई और बहन गद्दार मालूम होते हैं। मिस्टर राज, लाओ ना वो लॉकेट कहाँ है ताकि मैं मान लूं कि तुम वाकई वफादार। मैंने कहा ना वो लॉकेट मिस्टर मिस्टर सिंह मिस्टर सिंह, एक गड़े हुए मुर्दे को उखाड़कर तुम अपने आप को बेगुनाह नहीं साबित कर सकती मिस आशा। या तो वो लॉकेट तुम्हारे पास है या तुमने दुश्मनों को दे दिया। राज बाबू, इतना तो सोचिए कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, क्या मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ? आशा, अगर सचमुच तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो आज मेरा आखिरी फैसला सुन लो, जिसमें हमारे देश की जिंदगी और मौत का राज है वही लॉकेट मेरी मोहब्बत की कीमत है। राज बाबू, मेरे धोए हुए क्या, मेरे
लड़की हो ना जिसका लॉकेट वो गुंडा ले गया था। जी आप भी वही नेक इंसान है जिन्होंने मेरी मदद की थी। लेकिन जब मैं उस गुंडे से लॉकेट छीन कर वापस लौटा तो तुम कहाँ चली गई थी? मैंने काफी इंतजार किया और फिर मायूस होकर चली गई। लेकिन उस दिन तो तुमने कुछ और कपड़े पहन रखे थे। मैं इसी तरह नाच गाकर अपना पेट भर लेती हूँ। लाइए वो कीमती लॉकेट मुझे दे दीजिए। अजीब लड़की हो, तुम्हारे जिस्म पर इतने कीमती जेवरात हैं और फिर ये कहती हो कि वो लॉकेट ज्यादा कीमती है। ये सब नकली है, सिर्फ वो ही असली। अच्छा तुम अपना जी छोटा मत करो, तुम्हारी अमानत मेरे पास महफूज। हाँ मैं तुम्हें देता हूँ, चलो। बहुत तेज है यार, तुझे इस पे नजर रख, मैं भी इसका पैकेट पार करता हूँ। देख बड़े बड़े पैकेट पार कर दे, तुझे हटके रहना बस। ये देख उंगली गई और काम हुआ। ये ले भागे यार, फूट जाता। अरे बाप रे साहब, मैंने किसी का पैकेट नहीं मारा। मैं तो आप मेरी तलाशी ले लीजिए, मैं तो भैंस के तबेले में काम करता हूँ। माँ कसम साहब, मैं एकदम खानदानी आदमी हूँ। सुबह नमाज पढ़ता हूँ, शाम को रोजा रखता हूँ और अखा दिन तक भी घुमाता रहता हूँ साहब। माफ करो साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। अगर आपने मेरे को लॉकअप में डाल दिया तो मेरी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी। उसके पहले मैं तुझे फांसी में लगा दूंगी। तू जब तेरी कोई और हो तो मुझे क्यों धोखा दे रहा है? माँ कसम, मैं तो साफ समझ के उनको राजपाट दे रहा था। सुरैया, मेरा तो तेरे सिवाय दुनिया में कोई भी नहीं। ज्यादा बातें मत बना, ले रोटी खा ले। ला तू कितनी अच्छी है सुरैया, मैं तो चाहता हूँ मालिक करे तो सारी जिंदगी मुझे इसी तरह खाना पानी देती रहे। ये सब कुछ उस वक्त होगा कि तू पाकिटमारी का धंधा छोड़ दे। सवाल जरा टेढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं तेरा मेरा केस एक दिन पाकिटमार यूनियन में रखने वाला हूँ। अरे कोई आ रहा है, हमें चले। किधर? अरे बाप, कोई आ ही जाता। मैं तो शेरू को देखकर बिल्कुल घबरा रही। कुछ भी हो, हमारा काम तो बन गया ना। बात रीटा, वेरी गुड। बात तो मामला ही उल्टा निकला। तो खाली है? खाली, लेकिन ये लॉकेट तो अपने ही गैंग के आदमी के पास था। अपने ही गैंग के आदमी के पास? कौन है वो? शेरू। शेरू? जी हाँ, शेरू अपने साथ ही काम करता बॉस। बात यह है कि वो आपको किस तरह पहचान सकता था बॉस? कुछ भी हो, ये लॉकेट उसके पास था, इसका राज भी उसे मालूम होगा। मुझे वो आदमी कत्तार मालूम होता। लेकिन ये लॉकेट उसने टैक्सी यूनियन से दिलवाया। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। इस आदमी को मेरे सामने बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक थी। मगर इस तकलीफ की क्या जरूरत थी? मैं जानता हूँ दोबारा भी तुम यही कहने आई हो कि तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वो लॉकेट मेरी जिंदगी है, मेरी आत्मा का सुख चैन है और मेरा संसार है। तो फिर तुम उसे रोज पहना करो। लाओ मेरा लॉकेट। हो एक लॉकेट खोकर दो लॉकेट वसूल करना धंधा बुरा नहीं, बाकी आदमी देखकर चाल चला करो। ये तुम क्या कह रहे हो? अच्छा नाटक खेल लेती हो। टैक्सी यूनियन के ऑफिस से लॉकेट वसूल करने के बाद अब फिर लॉकेट वसूल करने आई? कौन सी यूनियन, कैसा ऑफिस? मुझे कोई लॉकेट नहीं मिला। अगर तुम्हें ऑफिस के बारे में नहीं मालूम तो मैं भी तुम्हारे लॉकेट के बारे में कुछ नहीं जानता। सोने का लॉकेट देखकर शायद नियत बदल गई। तो क्या मैं बेईमान? ये बात कोई आदमी अगर मेरे से कहता तो शेरू उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चल जाए यहां से। शेरू, उसके बदले में तुम चाहे तो पैसे ले लो, लेकिन मुझे वो लॉकेट दे दो। बेवकूफ लौकी, मैं तुझे समझ गया। चुपचाप यहां से चली जा। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अगर वो लॉकेट मुझे नहीं मिला तो यही ना कि तुम्हारी टोली के आदमी मुझे मार डालेंगे। भाग जाए यहां से, चले जा। आखिर तू कब तक नाराज रहेगी सुरैया? जब तक तू पाकी मारी का धंधा नहीं छोड़ेगा। अब तुझे कैसे बताऊं, ये बहुत मुश्किल है। तो तेरी मेरी शादी भी नहीं होगी। अरे बाबा बात को सुन, सुरैया अच्छा बाबा, मैं आज फिर से अपना केस पाकी मारी में रखता हूँ, लेकिन अगर वो नहीं माने तो मैं भी सबको पकड़ा दूँ। अरे बाबा ऐसा जुलम मत करना, मुसीबत हो जाएगी। मैं खुद कुछ चक्कर चलाता हूँ, फिर मेरे मैं सच बोलती हूँ, लॉकेट मैंने नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लिया। साहब मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, ये झूठ बोलती। झूठ तुम बोलते हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? सबूत वो शेरू ड्राइवर है जिसने अपने हाथों से तुम्हें वो लॉकेट दिया। अरे बाबा हो सकता है मुझे ऐसी कोई और लड़की होगी। बिल्कुल नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उस रोज एक नाचने वाली लड़की लिबास में थी और आज आज एक तुम शरीफ लड़की लिबास में नजर आ रही। नाचने वाली लड़की?
अरे हाँ साहब, वही जो सड़कों पर नाच गाकर भीख मांगा करती हैं। थैंक यू मिस्टर फर्नांडिस। आशा, नहीं समझ में नहीं आता ये सब कुछ क्या है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न करो। जो लड़कियां अपनी गद्दारी की कामयाबी के लिए आज एक नाचने वाली बन सकती हैं, कल वो कुछ भी बन सकती हैं। राज बाबू, मैं अपने प्यार की सोगन खाकर कहती हूँ कि ये सब कुछ झूठ है। प्यार को बदनाम न करो आशा। आज मुझे पता चल गया कि हम दोनों की मंजिल एक नहीं। तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। ये बन गया। बोलो क्या बोलना है? हजूर भाई बाप, मैं पाकेटमारी का धंधा छोड़ना चाहता हूँ। मगर क्यों? पाकेटमारी यूनियन तो तुम्हारा सब खर्चे का बंदोबस्त करती है, लेकिन शादी का बंदोबस्त तो नहीं करती ना। फिर वही बात। देखो साहब, मैं शादी कर रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ा हो गया। नहीं, तुम्हारा नाम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो फिर छोकरी का बंदोबस्त करो। अरे साहब, कर दो बेचारे का बंदोबस्त। अरे हमारे पास खुद छोकरी का बंदोबस्त नहीं है तो इसके लिए कहाँ से करें। ये बात तो अपने को परवानगी दो, अपने पास छोकरी का बंदोबस्त है। मजबूरी है, तुम शादी कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू भाई बाप। खुश हो ना? चलो हम अब काजी साहब के पास चलते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो बाबा। कहाँ है तेरा बाबा? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम बाबा। मैं यहाँ हूँ साहब। बाबा। बॉस, बॉस यही शेरू है, लेकिन मेरे मुन्ने को यहाँ क्यों लाए? इसलिए कि तुम आसानी से उस लॉकेट का राज हमारे हवाले कर दो। वो लॉकेट मैंने टैक्स यूनियन से उस नाचने वाली लड़की को दिलवा दिया जिसके लिए मैंने आपका पीछा किया था। वो हमारे गैंग की हत्तार लड़की है। इस लॉकेट को पहचानते हो? मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ, मैं इस लॉकेट को जरूर जानता हूँ मगर इसके राज के बारे में कुछ नहीं जानता। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम दोनों में से कोई एक इस राज को जरूर जानता है। उस लड़की को यहाँ उठा लो। मैं ये काम नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। बाबा! उस बच्चे के सीने में चाकू घोंप दो। बाबा, बाबा! बाबा! बॉस, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। है कि वो जान बचा के भाग निकला। उसे अपने बच्चे के लिए आना ही पड़ेगा। हर बाप को अपना बच्चा प्यारा होता है मिस्टर सिंह। मजबूरी इंसान को सब कुछ करा देती है शेरू, ये क्यों नहीं कहते? मुझे यहां क्यों लिया? मिस्टर सिंह, संभालो मेरे बच्चे की जिंदगी की रिश्वत। सज्जन, इसे अपनी हिफाजत में ले लो। मेरा मुन्ना मेरे हवाले करो। जब तक ये लड़की राज नहीं बतलाएगी तुम्हारा मुन्ना तुम्हें नहीं मिलेगा। बॉस, मैं अपनी जबान पर कायम हूँ, आप भी अपनी जबान पर कायम रहिए। ज्यादा जबान दराजी करोगे तो जबान खींच ली जाएगी। तुम मेरा बच्चा वापस नहीं करोगे? नहीं नहीं नहीं।
ले जाओ, बंद कर दो, चलो। कहो पैदी, किस हाल में हो? अच्छा, अगर तुम ये समझती हो कि राज बताए बगैर तुम यहाँ से जिंदा निकल पाओगी तो इस पाप को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। अगर इंसान का सोचा हुआ पूरा हो जाए तो उसे भगवान की जरूरत ना हो। रीता ये सुना नहीं मानेगी, मंगू जला दो इसके खूबसूरत चेहरे को ताकि दुनिया से नफरत के बिना देख सके। रीता इसकी मौजूदगी से हमें फायदा उठाना चाहिए। आओ मेरे का खून। हेलो पुलिस। हाँ मैं इंस्पेक्टर राज बोल रहा हूं। क्या खून? अच्छा तुम वहीं ठहरो, मैं भी आता हूं। हाँ हाँ मैं आता हूं। आशा ने अपने अंकल का खून कर दिया। बात गुड, यही वो कागजात है जिनके बारे में हमने टेप रिकॉर्डर पे सुना था। इन्हीं की वजह से हमारे अड्डे तबाह बर्बाद हुए। मैंने अपने दुश्मन अजीत को कत्ल कर दिया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट रिजल्ट। तो अपना हर काम बड़ी खूबसूरती से अंजाम देती हो। थैंक यू बॉस। जिस तरह ये काम आसानी से हो गया इसी सूरत से आशा का मसला भी हल हो जाएगा। आंखों में धूल डालकर भागने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी आजादी के सब रास्ते बंद हो चुके हैं आशा।
बेहतरीन इसी में है कि तुम लॉकेट का राज मुझे बतला दो। मिस्टर सिंह, मैं राज बाबू की सौगंध खाकर कहती हूँ, मुझे राज बिल्कुल नहीं मालूम। राज मेरा भाई नहीं, मेरा दुश्मन है। तुम्हें नहीं मालूम उसमें और मुझमें कितना फासला हो गया है। जैसे कि एक इंसान और हैवान में होता है। शराब आशा, अगर करोगे तो इसी तहखाने में जिंदा दफन कर दिया जाएगा। तुम जैसे गद्दारों से उम्मीद क्या होती है? कुमार, फॉर्मूला नंबर 5। रास्ते से बाहर छोड़ दो। बस इसका यहाँ से निकल जाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। बेवकूफ, इसका यहाँ रहना ज्यादा खतरनाक है। पुलिस कर्नल अजीत के कत्ल के इल्जाम में से तलाश कर रही है। ले जाओ इसे। अपने अंकल का खून किया। अंकल, किसने मारा मेरे अंकल को? चिल्लाना बंद करो। तुम्हें जो कुछ कहना है कोर्ट में कहना। ले चलो चलो। आओ। गो ऑन मिस्टर राज। मिलॉर्ड, मुल्जमान के पहले भी अपने भाई डॉक्टर जगदीश पर। भाई अपनी राजदार बहन को जेल की चार दीवारी के अंदर नहीं देख सकता था।
इसलिए उसने अदालत पर यह साबित कर दिया कि मुलजिमा बेगुनाह है और अदालत ने उसे बरी कर दिया। नील लॉर्ड, कर्नल अजीत फौज में काम करते थे, मुलजिमा इन्होंने कत्ल करके मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान किया है। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि ऐसी मुजरिमा को सजा ना देना, इंसाफ पर जुल्म करना है। मिस आशा, तुम इस केस पर कुछ और रोशनी डाल सकती हो? मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, इस केस के बारे में कुछ नहीं जानती। मिलो, मिस आशा को अपनी सफाई के बारे में जो कुछ कहना था वो कह चुकी हैं। अब मुझे ये देखना है कि मेरे फाजिल दोस्त और पुलिस इस बड़ी अदालत में किस तरह एक बेगुनाह को गुनाहगार साबित करती है। मिलोर्ड, ये हकीकत है कि डीलर्स क्लब के गेट पर मिस्टर गिंग्स और मिस आशा को मैंने गिरफ्तार किया था, लेकिन क्लब के बारे में मिस आशा ने जो कुछ भी कहा सब बेबुनियाद है, झूठ है। मिलोर्ड, मिस आशा की सच्चाई का ये मुकम्मल सबूत है कि जिस रात कर्नल अजीत का कत्ल हुआ उस रात वो डिलेक्स क्लब में मौजूद थी, जिसका गवाह और सबूत मिस्टर गिम्स अदालत के सामने मौजूद है। ये संगमा का प्लान है, ये गद्दारों से मिली हुई है। अगर ये सच है तो ये बेगुनाह है, वो जगह तो नहीं बताती यहाँ ये कायद भी, और मिस्टर सिंह को अदालत में पेश करने का इकरार क्यों नहीं करती? मेलाज, मेरे फाजिल दोस्त के लगाए हुए इल्जाम बिल्कुल नाकाफी है, वो किसी तरह भी मिस आशा को गुनाहगार साबित नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन अदालत मिस आशा की बेगुनाही का सबूत चाहती है। सबूत मैं पेश करता हूँ, मेरे फाजिल दोस्त ने सिर्फ इस पॉइंट पर मिस आशा को गुनाहगार साबित करने की कोशिश की कि नौकर जगीराम ने गोली की आवाज सुनी और उसे साथ साथ मिस आशा को भी फ्लैट से भागते हुए देखा। ऑफ कोर्स, मैं अदालत से सवाल करता हूँ कि जब मुलजिमा कर्नल अजीत को कत्ल कर सकती थी तो क्या वो नौकर जगीराम के सीने में एक गोली नहीं डाल सकती थी? वो इस तरह से सबूत को क्यों जिंदा छोड़े? इसलिए कि मुलजिमा को अपनी चालाकियों पे नाज था, वो समझती थी कि वो पुलिस की आंखों में धूल झोंक सकती है, वो इंसाफ की लाश पर खड़े होकर कानून के मुंह पर तमाचा मार सकती है। जो अपने फायदे के लिए अपने भाई पर गोली चला सकती है, अपने अंकल का खून कर सकती है, दुनिया का कोई कानून उस पर रहम नहीं कर सकता। मिलोर्ड, मिलोर्ड, अदालत जो फैसला करे मुझे मंजूर है, लेकिन मैं फिर यही कहूंगी कि जिस रात अंकल अजीत का कत्ल हुआ था उस दिन शेरू मुझे बेहोश करके ले गया था। इंस्पेक्टर राज, जब तक शेर को अदालत में पेश नहीं किया जाए अदालत किसी फैसले पर नहीं पहुंचेगी। मिस्टर लोहानी। यस सर। शेर को हम गिरफ्तार किया जाए। ओके सर। आज ही। तेरा बाबा लॉकेट के अंदर की चीज को नहीं बतलाएगा हम इसे इसी तरह मारते रहेंगे। वो मेरे पास है। मुन्ना, मुझे नए खिलौने में बाबा। मुन्ना, अगर वो चीज तुम हमें दे दोगे हम तुम्हारे बाबा को छोड़ देंगे। मैं अभी देता हूँ। गुड माइकल। यस बाबा। मुन्ना के साथ जाओ। नहीं नहीं, मुझे इनसे डर लगता है। तुम मेरे साथ चलोगे, मुझे वो चीज दोगे तो मुझे चॉकलेट दिलाओगी? हाँ, मैं तुम्हें चॉकलेट भी दिलाऊंगी और अच्छे अच्छे खिलौने भी। चलो। गुड बॉय। मुझे माफ कर दिया जाए। अब तुम सीधे रास्ते पे आ गए, हम तुमसे खुश हैं। शेरू को छोड़ दिया जाए। Yeah.
बैठो बेटे। अच्छा ये बताओ, ये गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों लगे थे? फिल्म के लिए। लेकिन देखते किसका नतीजा क्या होता है। हेलो इंस्पेक्टर राज हियर। क्या लड़की भाग गई? वेरी गुड। मेरा मतलब ये है कि कानून की नजरों से कहां भाग सकती है। आप घबराइए नहीं, हम उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ जी मिस्टर कार्वे, अपना काम बन गया। मुबारक। थैंक यू। गुड गुड गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड। हमें यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि तुम सब लोग अपनी अपनी जगह पर तैयार खड़े हो। इस वक्त 12 बजने में 5 मिनट बाकी रह गए हैं, ख्याल रहे, समझ गए? अब मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। हमारे सब आदमी अपने अपने खुफिया अड्डों पर 14 सूबों में बिल्कुल तैयार खड़े हैं। सबको सिर्फ 12 बजने का इंतजार है। मिस्टर सिंह, तुम्हारी तमाम खुशियां मिट्टी में मिल जाएंगी और चांदी मिनटों बाद इस देश के कोने कोने में तबाही और बर्बादी मच जाएगी। और 15 अगस्त का वो तिरंगा अब कभी नहीं लहराएगा। खामोश, तिरंगे को हमने अपने खून से रंगा है, उससे कोई नहीं उतार सकेगा। बहार बंद करो। 12 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी रह गए हैं, तो अपनी जगह पे पहुंच जाओ। पुलिस को अड्डों पर हमला करने का हुक्म दो, जल्दी। देश के जान निसार। अब तुम्हारे देश की एकता खाक में मिल जाएगी, मोहब्बत नफरत में बदल जाएगी। जो गले मिलकर खुश होते थे, अब वो गले काटते हुए नजर आएंगे और हमारा मकसद पूरा होगा। जेंट्स, सिग्नल आउट। Thank you.
दीवार।